हेलो दोस्तों, आइए एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे अन एकेडमी की क्लास में स्वागत है। मैं टीआर जैन आप लोगों के लिए आज की क्लास में लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल टॉपिक को। मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कर दूँ इंट्रोडक्शन। बेटे, हम लोग बात कर रहे हैं अन एकेडमी पर, ये टॉपिक करवाने के लिए अन एकेडमी पर आपको मैं बता दूं हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। बेटा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, यहाँ मैं तिलक राज जैन आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है लास्ट 15 ईयर से। मैं आपको बता दूं यहाँ हम लोग अन एकेडमी पर जो डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस, यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे अन अकेडमी लर्निंग ऐप को, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी आपको हमारी फ्री क्लासेस मिलेंगी, एप्लीकेशन हमारा फ्री डाउनलोड होगा, आप आराम से यहाँ से क्लास कर सकते हैं। स्क्रीन पर सब्सक्रिप्शन है लेकिन उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, मैं आपको बता दूँ, जिसका नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यहाँ मैं एक फाइल ऐड कर लेता हूँ और यहाँ आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक मटेरियल, इसको मैं आपके साथ जूम भी कर लेता हूं और मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आप लोग सीए फाउंडेशन में तो पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले 12th क्लास में आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ाया जाता है डिटेल से। बेटे, अगर आपने 12th क्लास में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ा है तो वो आपको हेल्प करेगा सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी को पढ़ने में। आपका ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये बहुत अच्छे लेवल पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ। और मैं आपको बता दूँ इस लेवल पर हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आपके सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में, बेटा इसका वेटेज अलग अलग पेपर में अलग अलग लेवल पर देखा गया है। मैं इसका ओन एंड एवरेज बात करूं तो 8 to 10 मार्क्स के अराउंड आपका ये जो चैप्टर है आपको एग्जाम पेपर में दिखने को मिलता है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ जब ये टॉपिक यहाँ डिस्कस करूंगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सब करवाऊंगा, मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी सब करवाऊंगा और मैं आपके साथ बना रहूंगा एक एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करने के लिए। तो चलिए फिर एक बार आप लोग शुरुआत करते हैं। मेरा पढ़ाने का पैटर्न ये रहेगा, मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, स्क्रीन पर आप जो नोट्स देख रहे हैं ये सब आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले हैं, वहां से आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ये टॉपिक के साथ मैं कर रहा हूँ स्टार्ट आज की क्लास को। और मैं आपको बता दूं बेटा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो चैप्टर है इसको पढ़ने के लिए मैं एक वाइट पेपर ले लेता हूं। और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का जो ये मेरा चैप्टर है, मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा मैं आपके साथ एक नोटबुक बनाकर चलने वाला हूँ। मैं यहाँ स्क्रीन पर एक नोटबुक बना रहा हूँ, आप क्या करिए एक नोटबुक साथ में लगा लो ताकि मैं जो बातें आपके साथ डिस्कस करूँ, जो बातें बताऊँ, वो सब आप बहुत अच्छे लेवल पर शेयर कर पाए, बढ़िया से लिख पाए। चलिए फिर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बेटे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल सीए फाउंडेशन एग्जाम को लेकर, सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी ये पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल, क्या है शेयर कैपिटल, क्या होते हैं शेयर्स, क्या होती है कंपनी, ये सब चीजें हमें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हर एक बात भाई आपको डिटेल से बताऊंगा लेकिन सबसे पहले
आप ये समझ के चलिए कि शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं, सीए फाउंडेशन लेवल पर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बेटा शेयर कैपिटल जो वर्ड है वो कंपनी के केस में आता है। अगर किसी प्रमोटर के माइंड में कंपनी बनाने का आइडिया है तो कंपनी में एक बड़े लेवल पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, और कंपनी की जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है जनरली वो एक पर्सन कंट्रीब्यूट नहीं करता है। कंपनी क्या करती है, अपनी जो शेयर कैपिटल है उसको नंबर ऑफ शेयर्स में कर देगी डिवाइड, और नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर शेयर को मिला मिला करके नंबर ऑफ शेयर्स जब हमारे असेंबल होंगे तो उसे हम लोग नाम देंगे शेयर कैपिटल का। अब मैं आपको बता दूं, शेयर कैपिटल अगर हम लोग बात करें तो शेयर कैपिटल को समझने से पहले कंपनी को समझना जरूरी है। भाई एक पर्सन के माइंड में आइडिया आ गया कंपनी बनाने का, एक पर्सन के माइंड में आइडिया आ गया कंपनी बनाने का, आप मेरी बात को सुनिएगा, कंपनी बनाने का आइडिया आ गया। अब कंपनी बनाने के आइडिया को लेकर के वो जाता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, और अपनी कंपनी को करवा लेता है रजिस्टर्ड। आप मेरी बात सुनिएगा, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए, एमओए बनाना पड़ेगा, एओए बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने कंपनी लॉ में थोड़ा पढ़ाओ शायद, एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लोजेस बनाए जाते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। अब यूं कह लो आपने पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता है मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप में बनती है पार्टनरशिप डीड, उसी तरह से कंपनी में बनते हैं एओए और एमओए, जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, कंपनी को रजिस्टर्ड करने के दौरान एमओए एओए ये हमने बना दिया, सुनते जाना, एमओए एओए ये हमने बना दिया और कंपनी को करवा लिया रजिस्टर्ड। अब जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, मैं आपको याद करा दूं, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद डिपेंड इस बात पर करेगा कि कंपनी को चलाएगा कौन, कंपनी को मैनेज कौन करेगा। देखो बेटा प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी बिजनेस, देखो मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं ना, कोई भी बिजनेस जब होगा तो बिजनेस को चलाने वाले लोग होते हैं ओनर्स। बिजनेस को चलाने वाले लोग कौन होते हैं, ओनर्स। जनरली बिजनेस को ऑपरेट करते हैं ओनर्स, और अगर मैं बात करूं कि ओनर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बिजनेस को चला पाए, तो जनरली ओनर्स क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर अपॉइंट कर देते हैं मैनेजर्स। बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनर्स का है तो बिजनेस को ऑपरेट भी ओनर्स करते हैं, लेकिन एफिशिएंटली चलाने के लिए बिजनेस का ओनर आगे अपॉइंट कर देता है मैनेजर को। मैनेजर का काम होता है बिजनेस को मैनेज करने का। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के केस में सुनिए, इन द केस ऑफ कंपनी, पूरी बात सुनना बेटा, इन द केस ऑफ कंपनी, पूरी बात समझ के चलो, इन द केस ऑफ कंपनी अगर आप बात करेंगे कंपनी की, तो भाई कंपनी में क्या होता है सुनना जरा, कंपनी में क्या होता है, कंपनी के ओनर्स कौन होंगे आप खुद बताओ। कंपनी में जो ओनर्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक लेवल पढ़ा है, कंपनी में जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। कंपनी में जो ओनर्स हैं वो कौन होंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स। अब अगर मैं बात करूंगा पब्लिक कंपनी की, आप मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं बात करूंगा एक कंपनी जो कि एक पब्लिक कंपनी है जिसमें तो पब्लिक का पैसा लगा है, तो भाई कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं वो पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं, तो बोला गया अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं। कंपनी चाहे जितने शेयर होल्डर बना सकती है, कोई लिमिट नहीं है, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, लैक्स में भी हो सकते हैं, करोड़ में भी हो सकते हैं। अब जरा सोचो, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं शेयर होल्डर्स, और अगर शेयर होल्डर्स ये बोलें कि भाई हम खुद कंपनी को चलाएंगे, तो जरा सोचो कंपनी को चलाने के लिए इतने सारे लोग आ गए तो सबके डिसीजन इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर एक टीम अपॉइंट करती है जिसका नाम होता है बेटा बीओडी।
बीओडी का फुल फॉर्म होता है बेटे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के जो एफिशिएंट मैनेजमेंट का काम करते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। तो जनरली कंपनी लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्किंग करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मैनेजमेंट को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने नीचे पूरी टीम लगाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, उनके नीचे उनके वर्कर्स, सबॉर्डिनेट सब होंगे, लेकिन जो डिसीजन पावर होती है कंपनी लेवल पर वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। आप बोलेंगे सर कंपनी लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन डिसाइड करेगा? तो भाई सब शेयर होल्डर मिलकर के इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग राइट के थ्रू डिसाइड करेंगे कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरली कौन होंगे। आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो लॉ में पढ़िएगा, आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। मेरा काम यहाँ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई क्योंकि बेटे कंपनी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो बेसिक आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरह का आप आइडिया लेकर चल रहे हो। तो भाई मैं आपको बता दूं, मेरा जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी की, और कंपनी जो होती है उसको आरओसी से हम लोग करवाएंगे रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड करवाने के लिए हमें एमओए एओए देने की जरूरत पड़ेगी, इनकॉर्पोरेशन होगा कंपनी का, और उसके बाद कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट होंगे। मैंने बताया कंपनी के जो ओनर्स हैं वो कौन लोग होते हैं? शेयर होल्डर्स। और कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे। और कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसके जो ओनर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो डिसाइड करेंगे। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम बना दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम कंपनी के मैनेजमेंट का काम करने वाली है। ये बात हो गया एक बेसिक आइडिया कंपनी को लेकर कि कंपनी वर्किंग कैसे करती है, उसका एक बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया। अब अगर हम लोग बात करेंगे आइडिया के बाद कि टाइप्स ऑफ कंपनी के बाद, अब यहां मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेयर के साथ। देखो मैं आपको लॉ की बातें बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा पेपर अकाउंट्स पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल पेपर के लिए, तो मैं आपके साथ पहले लेकर चलूंगा प्रैक्टिकल पोर्शन। मैंने सबसे पहला पॉइंट उठा लिया टाइप्स ऑफ शेयर्स। आपको मैं पूछता हूं टाइप्स ऑफ शेयर, कितने टाइप के शेयर आपको पता है? आप बोलिए कितने तरह के शेयर एक कंपनी में हो सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, दो तरह के हो सकते हैं। पहला जो शेयर है उसका नाम होता है बेटा प्रेफरेंस शेयर। पहला जो शेयर होता है उसका नाम होता है प्रेफरेंस शेयर। दो तरह के शेयर हो सकते हैं, एक हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ सकते हैं इक्विटी शेयर्स। दो तरह के शेयर्स मैं लेकर चल सकता हूं। पहले नंबर पर हैं प्रेफरेंस शेयर्स और सेकंड नंबर पर हैं इक्विटी शेयर्स। मैं आपको बता दूं प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी राइट्स, इक्विटी का मतलब प्रायोरिटी राइट्स नहीं होता है। दो तरह के शेयर हैं, एक है प्रेफरेंस एक है इक्विटी। दोनों के बारे में पहले समझना है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझना है क्योंकि हमें इन्हीं की अकाउंटिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हीं का डिटेल पढ़ के चलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं मैंने आपके साथ अन अकेडमी पर जब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो ये देखिए भाई मैं बिना मटेरियल के काम ही नहीं करवाऊंगा आपको। ये मटेरियल जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है टेंशन नहीं लेने का, ये सारा मटेरियल मेरे वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, ड्राइव का लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इससे भी ज्यादा डिटेल जाना है, ये जो लेक्चर्स मैं करवा रहा हूँ इसका भी डिटेल लेकर चलना है, तो आप अन अकेडमी का हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए। तिलक राज कोड है मेरा, उस कोड के साथ आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। वहां मैंने डिटेल्ड आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। यहाँ भी मैं आपके साथ बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको हर एक चैप्टर बहुत डिटेल से पढ़ना है तो आ जाइए मेरे साथ अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर, और मेरा कोड है तिलक राज। अभी मैं पढ़ा के चल रहा हूँ, आप पढ़ते चलिए। ये मटेरियल जो मैंने आपके लिए यहाँ दिया ये आप गूगल ड्राइव का लिंक है नीचे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। आप ये पहले चेक कर लो कि सर क्या आपके साथ मेरी ट्यूनिंग बन पा रही है। अगर आप ये कहते हैं यस सर आपके साथ मेरी ट्यूनिंग बन पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई साहब सब्सक्रिप्शन लेकर के आ जाओ, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे लेवल पर। चलिए अभी 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 टॉपिक पढ़ते हैं एक बार, आ जाओ। ये देखिएगा आप, ये देखिएगा आप, मैं आपको बता दूं यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और आप अगर देखेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में, मैंने आपको यहाँ बता रखा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में
सबसे पहले तो मैंने कंपनी का नाम बताया, उसके बाद आप चेक करो, मैंने आपको यहां बता दिया टाइप्स ऑफ शेयर से पहले मीनिंग ऑफ शेयर। बेटे आप सब लोग यहां चेक करिए स्क्रीन पर, मीनिंग ऑफ शेयर मैंने लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ शेयर मैंने लिखा हुआ है। अगर आप चेक करेंगे मीनिंग ऑफ शेयर, तो भाई इसमें लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। बेटे एक कंपनी की जो कैपिटल है उसको स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया गया। मैं आपको बता दूं, एक कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है ना बेटा, वो एक बड़ा अमाउंट है। अब 1% तो उसको कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर कैपिटल को स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देती है। और एक डिनोमिनेशन जो है उसे हम लोग नाम क्या दे देंगे, सिंगल डिनोमिनेशन जो है उसे हम लोग नाम दे देंगे शेयर। अगर मैं बोलूं कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, और एक सिंगल पार्ट जो होगा उसे हम लोग क्या नाम दे देने वाले हैं, शेयर। तो कंपनी की शेयर कैपिटल का वो छोटा सा एक हिस्सा उसे हम लोग नाम देने वाले हैं शेयर, यस या नो। चलें आगे, तो ईच स्मॉल डिनोमिनेशन जो है वो शेयर होगी, एंड ईच यूनिट आर कॉल्ड शेयर। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल आपको मैंने डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है, आप बड़ा आराम से बाद में इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है और कंपनी ने उसको 1 लाख यूनिट में डिवाइड कर दिया, तो मैं ये कहूंगा 10 लाख जो अमाउंट है उसको आपन ने 1 लाख यूनिट में अगर डिवाइड किया, तो एक शेयर का जो प्राइस है वो आ जाएगा बेटा 10 रुपए। कंपनी की शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, 1 लाख यूनिट में अगर मैंने कर दिया डिवाइड, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए। तो 10 रुपए उसका प्राइस हो जाएगा शेयर का। ये देखो टाइप्स ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर के टाइप्स कितने होंगे, मैं आपको बता दूं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग यहां कंपनी के जो शेयर के टाइप हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, दो तरह के शेयर हैं। नंबर वन है प्रेफरेंस शेयर, नंबर टू है इक्विटी शेयर। आपको बता दूं दो तरह के शेयर हैं बेटा कंपनी के पास, पहले नंबर पर है प्रेफरेंस, दूसरे नंबर पर है इक्विटी। प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, वर्ड जो यूज किया मैंने प्रेफरेंस, तो भाई मैं बता दूं प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी राइट्स, प्रेफरेंस का मतलब होता है पहले पाने का अधिकार। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको नोट करवा दूं, ये देखिएगा प्रेफरेंस वालों के पास किस तरह के प्रायोरिटी होंगे। प्रेफरेंस वालों के पास नंबर वन लिखो जरा, प्रायोरिटी ऑफ डिविडेंड, मैं यहां डिफरेंस लिखवा देता हूं, प्रायोरिटी ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों के पास डिविडेंड की प्रायोरिटी होती है, प्रेफरेंस वालों के पास डिविडेंड की प्रायोरिटी होगी, मतलब कंपनी कमाएगी पहले डिविडेंड किसको देगी, प्रेफरेंस वालों को, बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी वालों को। इधर अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नंबर टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। बेटे कंपनी के डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, मैं आपको बता दूं डिविडेंड का रेट फिक्स होगा, लेकिन प्रेफरेंस वालों का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होगा। आप इक्विटी में लिखेंगे नो फिक्स्ड रेट, इक्विटी वालों का कोई फिक्स रेट नहीं है, प्रेफरेंस वालों का फिक्स रेट है, इक्विटी वालों का कोई फिक्स रेट नहीं है। नंबर थ्री अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड की वजह लिखो पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब बंद हो जाना, कंपनी बंद हो जाना। पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंड अप बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी, बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी।
आप अगर इन शॉर्ट लिखें तो आप लिख सकते हैं प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल पेमेंट, और अगर मैं बात करूं इक्विटी वालों का पेमेंट, पेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, पेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, पेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के बाद इक्विटी वालों के पेमेंट का नंबर लगाती है। भाई साहब नंबर फोर पॉइंट सुनते जाओ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में 3 मार्क्स का यही क्वेश्चन निकल कर आ जाए। थ्योरी का आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स, मजा आ जाएगा, यही तो लिखना है यार, उड़ा देंगे सिलेबस को, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें कि भाई नो वोटिंग राइट, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, नो वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस वालों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इक्विटी वालों के पास, दे हैव वोटिंग राइट, दे हैव वोटिंग राइट। आप बोलेंगे सर वोटिंग राइट का मतलब वोटिंग राइट इन एजीएम लिख रहा हूं, वोटिंग राइट इन एजीएम, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी और कोई भी डिसीजन अगर लेना है, इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट होंगे उस मीटिंग में डिसीजन लेने के। तो भाई मैंने आपको दो तरह के शेयर बता दिए, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक आपके पास है इक्विटी, एक आपके पास है प्रेफरेंस। फटाफट से मेरे को बता दो ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, एक आपके पास है इक्विटी, एक आपके पास है प्रेफरेंस। दो टाइप के शेयर हमारे होंगे, दोनों के बारे में बेसिक लेवल पर मैंने बता दिया, दोनों का डिफरेंस बेसिक लेवल पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक बात और समझ के चलिएगा, अगर हम इतना डिस्कस कर लें तो मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप जरा नोटबुक निकाल करके लिखना स्टार्ट करो, मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी मैंने आपको इक्विटी और प्रेफरेंस इन दोनों का डिफरेंस बताया, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों में डिफरेंस बताया। लेकिन अगर आप मेरे स्क्रीन पर देखते हो, ये देखो बेटा स्क्रीन पर, तो मैंने प्रेफरेंस के बारे में स्टार्टिंग लेवल पर लिखा है, लेकिन प्रेफरेंस की मैंने कुछ कैटेगरीज बना दी है ऑन द बेसिस, इसको मैंने क्लासिफाई किया है। तो मैं इसको यहीं से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि भी क्या ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स की बात मैं करूंगा। अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मटेरियल, यहीं से मैं पढ़ा रहा हूं, टॉपिक बता रहा हूं प्रेफरेंस शेयर के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैंने बेस बना लिया, पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के पेमेंट को बेस अगर बनाऊं तो प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं दो तरह के, एक पहले नंबर पर है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और दूसरे नंबर पर है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक होंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होंगे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। भाई मैं आपको बता दूं, कम्युलेटिव शेयर वो हैं जिनका डिविडेंड कम्यूट हो जाएगा, मतलब अगर किसी ईयर कंपनी इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाई, तो भाई कंपनी अगले साल में कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वालों को डबल डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होगा, अगर कंपनी एक साल आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाती है तो नेक्स्ट ईयर में कंपनी आपको डबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, आपका जितना डिविडेंड पेंडिंग है वो कम्यूट हो जाएगा और अगले साल में जो कम्यूटेड बैलेंस है नेक्स्ट ईयर में आपको दे दिया जाएगा। एक होंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरे नंबर पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आप बोलेंगे सर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर हैं जिनका डिविडेंड आपका कम्यूट नहीं होगा, मतलब अगर कंपनी ने प्रॉफिट की एब्सेंस में आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो अगले साल में आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड मैंने बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी दो तरह के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी अगर हम लोग बात करें, एक हमारे पास हो सकते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और एक हमारे पास हो सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब ये आपने एक पर्सन को प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, लेकिन अगर एक टाइम के बाद चाहे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप अपना जो प्रेफरेंस शेयर है उसको किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करवा लो, हो सकता है हम उसको दूसरी किसी यूनिट में कन्वर्ट कर दें। तो भाई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो है उसमें ऑप्शन ये रहेगा कि भाई आप चाहें तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर को दूसरी किसी यूनिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा नॉन कन्वर्टेबल वालों के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। कन्वर्टेबल वालों के पास तो होगा, नॉन कन्वर्टेबल वालों के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल बात करूं, उसके बाद मेरे पास है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मैं आपको बता दूं प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का राइट, दैट मींस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब ये अगर एक कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, मैं आपको बता दूं यहां अगर मैं इसको जूम कर देता हूं, ये देखिएगा आपको इससे क्लियर हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है जिनके पास कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। आपको मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड का रेट है वो फिक्स होता है और इक्विटी वालों का फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनके पास फर्स्टली कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का, सॉरी पहले नंबर पर कंपनी उनको फिक्स रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उसके बाद जो कंपनी के प्रॉफिट होंगे उसमें से कंपनी जो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो है पहले नंबर पर हम उनको फिक्स रेट से डिविडेंड देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसमें इक्विटी वालों को शेयर देंगे और दोबारा से हम लोग पार्टिसिपेटिंग वालों को दोबारा से प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट दे देंगे। तो वो होंगे हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के केस में उनको प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा अदर देन फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन अगर बात करें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, तो भाई जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं उनके पास कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होगा। तो दो तरह के मेरे पास हो गए, एक पार्टिसिपेटिंग और दूसरे हो गए नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन मैं आपको बता दूं कंपनी जब अपने प्रेफरेंस शेयर का करती है रिडेम्पशन, तो मैं आपको बता दूं दो तरह के हमारे पास प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, एक होंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एक होंगे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर हैं जिनका रिडेम्पशन कंपनी एक फिक्स पीरियड में कर देगी, लेकिन नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर हैं जिनका रिडेम्पशन कंपनी एक फिक्स पीरियड में नहीं करती है, बल्कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर हैं जिनका रिडेम्पशन कंपनी जो है वो अपने लाइफ टाइम में कभी भी कर सकती है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो हैं जिनका रिडेम्पशन कंपनी अपनी लाइफ टाइम में एक फिक्स पीरियड के बाद करने वाली है। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो हैं जिनका रिडेम्पशन कंपनी अपनी लाइफ टाइम में फिक्स पीरियड के बाद ना करके बेसिकली कभी भी अपने लाइफ टाइम में कंपनी उनका रिडेम्पशन कर सकती है, उसे हम लोग नाम दे देंगे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं इक्विटी शेयर के बारे में, अगला जो टॉपिक है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो इक्विटी शेयर्स, तो भाई इक्विटी शेयर्स को लेकर के आपको क्या समझना है ये समझ लीजिए जरा। इक्विटी शेयर्स कौन से हैं, तो स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं सिंपल बात बोलूं इक्विटी वो हैं जो प्रेफरेंस नहीं है, ऐसा मैंने लिखा। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, प्रैक्टिकल बात तो यही है ना कि भाई जो प्रेफरेंस नहीं है वो सब शेयर कौन से हो गए, इक्विटी शेयर्स। अगर बात करें इट मींस दैट दे डू नॉट एंजॉय एनी
प्रेफरेंशियल राइट इन मैनर्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब इक्विटी वालों के पास ना तो डिविडेंड की प्रायोरिटी है, ना ही कैपिटल की प्रायोरिटी है, ना ही डिविडेंड की प्रायोरिटी है, ना ही कैपिटल की प्रायोरिटी है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनी वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब ये कि ये जो डिविडेंड का रेट है इक्विटी वालों का, ये ईयर टू ईयर वेरी करेगा। रेट डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी। अब वो रेट क्या होगा वो डिपेंड करेगा आपके कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी पर। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट ऑफ शेयर होल्डर। सही है, शेयर होल्डर्स के राइट्स के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा दीज शेयर कैरिंग वोटिंग राइट, इन शेयर के पास वोटिंग राइट होगा। एंड कंपनीज एक्ट 2013 परमिट टू इशू इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड। अगर मैं बात करूं तो कंपनी के जो लीगल नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करेगी। अब मेरा कंसर्न क्या है कि शेयर कैन बी इशूड बाय द कंपनी। अब कंपनी जब अपने इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को इशू करती है, आप देख पा रहे हैं या तो फॉर कैश और या लिखा हुआ है कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब एक कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इशू करेगी या तो कैश के लिए या तो अदर देन कैश, दोनों मोटिव हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं प्रेफरेंस शेयर अगर कंपनी इशू करती है और इक्विटी शेयर इशू करती है तो दोनों का डिफरेंस क्या है। वैसे तो मैंने नोटबुक में लिखवाया था, फिर भी मैं आपको बता दूं मटेरियल में भाई साहब डिटेल से बना के दे रखा है, आप ये मटेरियल पढ़ लो, आपका काम हो गया, ये बात आप मान के चलिएगा। देखो सबसे पहली बात राइट ऑफ डिविडेंड, अगर हम लोग बात करें दोनों के डिफरेंस लाने की, तो भाई एक तो डिविडेंड की बात है, मोटे मोटे तौर पर तो वही पॉइंट है, बट थोड़ा सा एक बार देख लें। राइट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों के पास डिविडेंड का राइट है पहले पाने का, इक्विटी वालों को मिलेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस। रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है बेटा, फिक्स होता है, इक्विटी वालों का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होगा। एरियर ऑफ डिविडेंड, मतलब अगर एक साल कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाई और आपके प्रेफरेंस शेयर हैं कम्युलेटिव, तो भाई साहब अगले साल में आपका डिविडेंड दोनों ईयर का कंपोजिट करके दे दिया जाएगा, लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा कभी भी नहीं होता। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कन्वर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस वालों के पास कन्वर्टेबल करने का राइट होता है, इक्विटी वालों के पास नहीं होता है। मतलब प्रेफरेंस वालों ने आज प्रेफरेंस खरीद लिए और अगर वो कन्वर्टेबल हैं तो इन फ्यूचर उनको कन्वर्ट करवाया जा सकता है, लेकिन इक्विटी वालों के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। रिडम्पशन की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम रिफंडेड, मतलब ये कि प्रेफरेंस शेयर का जो पैसा है वो रिडीम हो सकता है, रिफंड हो सकता है, लेकिन इक्विटी वालों का रिडम्पशन नहीं हो सकता। इक्विटी वालों के केस में हो सकता है बायबैक ऑफ कंपनी। उसके बाद आती है जी वोटिंग राइट की बात। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव वोटिंग राइट्स इन द स्पेशल सर्कमस्टांसिस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, लेकिन इक्विटी वालों के पास तो वोटिंग राइट होंगे ही होंगे। रिफंड ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए तो पहले कैपिटल रिफंड हम लोग करेंगे प्रेफरेंस वालों की और बाद में पेमेंट करेंगे इक्विटी वालों की। इसके अलावा अगर आप बात करें रिफंड के अलावा अगर आप बात करें, ये देखिएगा राइट टू पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट, तो प्रेफरेंस वालों के पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का राइट नहीं होता, लेकिन इक्विटी वालों के पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का राइट होता है। सही बात है। चलिए ये तो बात हो गई बेटे हमारे किसकी, अगर हम लोग बात करें प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर की। अब मैंने ये सारी बातें बता दी आपको, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बता दिए, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये आपको मैंने बता दिए, डिटेल आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, डिटेल इन नोट्स आपको मैंने नोट्स इशू कर दिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये सब आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट मेरे क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़ा मजे में।
कोई दिक्कत नहीं है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये वाली बात आप समझिए और बताइए मेरे को इतना क्लियर क्या। अगर आपको इतना क्लियर है तो भाई उसके बाद जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है बेटे टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी की शेयर कैपिटल कितने टाइप की हो सकती है? तो भाई मैं आपको बता दूं, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, नंबर वन पर कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसे हम लोग नाम दे देंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उसे हम लोग नाम दे देने वाले हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का नाम नॉमिनल शेयर कैपिटल भी हो सकता है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का नाम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर मतलब बताओ, मतलब ये है ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। जनरली मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी इशू टू द पब्लिक, मैक्सिमम कैपिटल है जो हम पब्लिक को इशू कर सकते हैं कंपनी के MOA, MOA का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में इसे कंपनी करवाती है रजिस्टर्ड। तो ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जिसको कंपनी क्या करेगी, मैक्सिमम कैपिटल जिसको हम लोग क्या मानकर चलते हैं, ऑथराइज। अब सब लोग मेरी बात को समझिएगा, ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जिसको कंपनी जो है क्या करके चलेगी, रजिस्टर्ड करवा के चलेगी। और मैं आपको बता दूं अगर कंपनी चाहे तो ऑथराइज कैपिटल में चेंज भी कर सकती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन था कि सर क्या एक कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल में चेंज कर सकती है? यस, कंपनी को ROC की परमिशन लेनी पड़ेगी, वापिस से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल में चेंज करवा सकती है ROC से। कंपनी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करके ROC जो है आपकी ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकता है। ऑथराइज कैपिटल वो शेयर कैपिटल है जो एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू करती है और मैक्सिमम कैपिटल कंपनी इतनी इशू कर सकती है पब्लिक को, उसे हम लोग नाम देंगे ऑथराइज कैपिटल का। ऑथराइज कैपिटल के बाद नंबर टू पर मेरे पास है बेटा इशूड शेयर कैपिटल। मैं आपको बता दूं इसका नाम है बेटे इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का नाम है इशूड शेयर कैपिटल। आप बोलेंगे सर इशूड शेयर कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच ऑफर टू द पब्लिक, वो कैपिटल जिसको पब्लिक को हमने ऑफर किया, विच ऑफर टू द पब्लिक, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हमने पब्लिक को ऑफर कर दिया उसे हम लोग नाम देंगे इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हमने पब्लिक को ऑफर कर दिया उसे हम लोग नाम दे देंगे इशूड कैपिटल। नंबर थ्री अगर हम लोग बात करें ऑथराइज, नंबर टू इशूड, नंबर थ्री हमारे पास है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब बोलेंगे ये कौन सी कैपिटल सर? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब जो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम पब्लिक अगेंस्ट शेयर ऑफर टू द पब्लिक। बेटे हमने पब्लिक को शेयर परचेज करने के लिए जो ऑफर किया था, जितने शेयर परचेज करने के लिए हमने पब्लिक को ऑफर किया था उसे मैंने नाम दिया था इशूड कैपिटल का। अब इशूड कैपिटल के अगेंस्ट जितनी कैपिटल
पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आया उसे हम लोग नाम दे देंगे बेटे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जो हम पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आया उसे हम लोग नाम देंगे सब्सक्राइब कैपिटल। और मैं आपको याद करा दूं, सब्सक्राइब कैपिटल के टाइम पर दो तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन और एक आपको देखने को मिलेगा अंडर सब्सक्रिप्शन। एक आपको देखने को मिलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन, एक आपको देखने को मिलेगा बेटे अंडर सब्सक्रिप्शन। आप बोलेंगे ओवर का मतलब एक्सेस सब्सक्राइब्ड, एक्सेस सब्सक्रिप्शन मतलब ये जितने शेयर मैंने पब्लिक को ऑफर किए थे अगर उससे ज्यादा के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आता है तो उसे हम लोग नाम दे देंगे बेटे ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर उससे कम के लिए अंडर सब्सक्रिप्शन, लेस मतलब लेस सब्सक्रिप्शन मतलब जितने शेयर आप पब्लिक को ऑफर करते हैं अगर उससे कम के लिए पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आएगा तो उसे हम लोग नाम दे देंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। दो तरह के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, ओवर भी हो सकता है अंडर भी हो सकता है। ये वाली बात बताओ सबको क्लियर है क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन अगर ज्यादा के लिए आए, अंडर सब्सक्रिप्शन अगर कम के लिए आए तो सब्सक्राइब हो सकता है। और मैं आपको बता दूं यहां एक पॉइंट आपको जो नोट करके चलना है उसका नाम है बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। उसका नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मैं आपको ये भी बता दूं कि पब्लिक को हम जब शेयर ऑफर करते हैं तो हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना कंपलसरी है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड कैपिटल होता है बेटा। 90% ऑफ इशूड कैपिटल, 90% ऑफ इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का 90% आपके पास सब्सक्रिप्शन आना कंपलसरी है। अगर कंपनी के पास इशूड कैपिटल का 90% सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट नहीं आता है तो वो कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है। तो मिनिमम 90% आना जरूरी है। नंबर 4 मैं आपको बता दूं, एक आता है बेटा कोल्ड अप कैपिटल, एक आता है हमारे पास कोल्ड अप कैपिटल। आप बोलेंगे सर ये क्या है? कोल्ड अप कैपिटल का मतलब हमने जो पैसा, जो शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किया, इशू किया, उसका जो अमाउंट है वो कंपनी कॉल करती है इंस्टॉलमेंट में। मान लीजिए एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स का एक बैच इशू किया और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये। एक कंपनी ने 10,000 बैच शेयर का एक बैच इशू किया, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये। एप्लीकेशन पर अमाउंट आना है 30, अलॉटमेंट पर अमाउंट आना है 30, फर्स्ट कॉल पर अमाउंट आना है 20, सेकंड कॉल पर अमाउंट आना है 20, टोटल अमाउंट आना है 100। ये हो गया, टोटल अमाउंट आना है 100, ये हो गया। तो भाई मैं आपको बता दूं ये टोटल 100 रुपये आने हैं, लेकिन मान लीजिए अभी तक हमने शेयर होल्डर से केवल फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट कॉल किया तो उसे हम लोग नाम दे देंगे कोल्ड अप कैपिटल। जो शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किया उसका जो पार्ट पब्लिक से आया उसे हम लोग नाम दे देंगे कोल्ड अप कैपिटल। एक हमारे पास आएगा बेटे पेड अप कैपिटल, एक हमारे पास आएगा बेटे पेड अप कैपिटल। कोल्ड अप के बाद एक हमारे पास आएगा बेटे पेड अप कैपिटल, कोल्ड अप के बाद एक हमारे पास आएगा बेटे पेड अप कैपिटल। जितना पैसा शेयर होल्डर से हमने कर लिया कॉल उसे हम लोग नाम देंगे कोल्ड अप, लेकिन जितना पैसा हमें पब्लिक से हो गया रिसीव उसे हम लोग नाम दे देंगे बेटे पेड अप कैपिटल। जनरली कोल्ड अप और पेड अप कैपिटल आमतौर पर सेम होते हैं, लेकिन कोल्ड अप और पेड अप कैपिटल में जो डिफरेंस का रीजन होता है वो होता है बेटा कॉल इन एरियर्स। कोल्ड अप और पेड अप में जो डिफरेंस का रीजन होगा वो होगा बेटा कॉल इन एरियर्स। अगर शेयर होल्डर से पैसा रिसीव नहीं हुआ जो हमने कॉल किया था उसे हम लोग नाम देंगे कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर जो है वो
हमारे कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल का डिफरेंस का रीजन हो सकता है। और नंबर सिक्स मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास है रिजर्व कैपिटल, एक हमारे पास है रिजर्व कैपिटल। आप बोलेंगे सर रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल वो अनकोल्ड कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल अनकोल्ड कैपिटल है। और रिजर्व कैपिटल का अमाउंट कंपनी जो है वो कॉल कर सकती है, जनरली अनकोल्ड कैपिटल रखेंगे और वो कॉल करेगी कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। कंपनी अपने वाइंड अप के टाइम पर इसको कॉल करेगी, इसे हम लोग नाम दे देंगे रिजर्व कैपिटल का। कंपनी वाइंड अप के टाइम पर इसको कॉल करेगी, इसे हम लोग नाम दे देंगे रिजर्व कैपिटल का। तो भाई ये मेरे पास अलग अलग टाइप की शेयर कैपिटल हैं जो मैंने आपको बता दी। मेरे पास सबसे पहले नंबर पर थी ऑथोराइज कैपिटल, ये देखो नंबर वन मैंने लिखा ऑथोराइज कैपिटल के बारे में, वो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर, मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी इश्यू टू द पब्लिक। इश्यूड कैपिटल वो है ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हमने पब्लिक को ऑफर कर दिया, उसे हम लोग नाम देंगे इश्यूड कैपिटल। थर्ड नंबर पर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पब्लिक से जितने शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आएगा। उसके बाद यहां हमारे पास रहेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि होगा 90% ऑफ इश्यूड कैपिटल। उसके बाद कोल्ड अप कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल और फिर आएगा हमारे पास रिजर्व कैपिटल। एक एक करके ये सारी बातें ये मैंने आपको बता दी, आप मेरे को बताओ इतना सबको क्लियर है क्या? अब बेटा अगर आप मेरा मटेरियल देखेंगे तो मटेरियल में ये सब बातें मैंने डिटेल से लिखी हुई हैं। आप देखोगे ऑथोराइज कैपिटल, आप देखोगे इश्यूड कैपिटल, आप स्क्रीन पर देखो ऑथोराइज कैपिटल इश्यूड कैपिटल इसके बारे में लिखा, इनका डिफरेंस भी लिखा, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है ये लिखा, कोल्ड अप पेड अप लिखा और रिजर्व कैपिटल लिखा। मैं आपको बता दूं ये सारा मटेरियल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारा मटेरियल मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा और आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको ये सारी क्लासेस एक एक करके सारे पॉइंट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हर एक पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ अगली क्लास में। फिर तो आज की क्लास इतनी है, इसको आप पढ़ के चलो, समझ के चलो, अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। आगे आप मेरे साथ बने रहे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हम बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे, सीए फाउंडेशन एग्जाम पेपर में आपका क्वेश्चन वेरी फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।